हेलो क्लास फोर बेटा, यूनिट फाइव वी हैव टू स्टार्ट। ओके, पीटी वन आपका ख़त्म हुआ, फिनिश हो चुका है। उसके मास वो हम डिस्कस करेंगे कुछ एक आध अगले क्लास में। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फाइव अब आफ्टर पीटी वन। इसमें दो पार्ट हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, हेलेन केलर। ये दो पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम्प्लीट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ओके, अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मैंने मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चों को दिया था, मतलब पूरी क्लास को दिया था। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा अच्छा रिप्लाई किया है इसको पढ़ के, जो है रिसाइट करके इसको भेजा था। बहुत एक बच्चे ने तो वीडियो भी बना के भेजी थी, मैं अभी उसको अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। बहुत अच्छा सब ने किया है, प्रयास बहुत अच्छा है। देखो रिजल्ट क्या होता है, हम कैसा कर पाते, इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई। ओके, हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि इसको रिसाइट करके भेजिए आप, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन होगी मेरी आपके प्रगति के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा सबने किया है। अब मैं इसको बता रहा हूँ आपसे, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीड एंड एन्जॉय द पोएम, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। देखो बहुत सारे हमारे आसपास लोग होते हैं जो अंधेरों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। ठीक है, तो उसी डर को दूर करने के लिए एक मोटिवेशनल पोएम के फॉर्म में ये पोएम आपके सामने है। ठीक है, रिसाइट करके तो आपने सबने भेज दिया। अब मैं इस पोएम का मतलब बता रहा हूँ। ओके, आठ लाइन की है लगभग ये। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, अंधेरे से मत डरो, जो भी अंधेरा है उससे आप मत डरो, जो रात है या जो भी डार्कनेस आपके सामने आ रही है उससे आप मत डरिए। द अर्थ मस्ट रेस्ट वेन द डे इज़ डन, अर्थ को भी तो रेस्ट करना होता है जब दिन ख़त्म हो जा रहा, वेन डे इज़ डन, तो अर्थ को भी रेस्ट करना होता है, रेस्ट। द सन मस्ट बी हार्श, सन हो सकता है कि बहुत हार्श रहा हो, बट मून लाइट नेवर, लेकिन जो रात में जो शांति होती है, जो पीस होता है रात में, वो जो दिन का हार्श सन की सनलाइट से होता है उससे काफ़ी अलग है और अच्छा शांति प्रिय होता है। ठीक है, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और वो जो स्टार्स हैं वो हमेशा चमकते रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए, एवर फॉर एवर एवर। ओके, चलिए, बी फ्रेंड्स विथ नाइट, देर इज़ नथिंग टू फेयर। आप रात को अपना मित्र बनाइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नथिंग टू फेयर, कुछ है ही नहीं डरने के लिए। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। आप रात में ये क्या करें कि जो आपके थॉट्स हैं उनको ट्रेवल कराया करें अपने फ्रेंड्स के पास, जो दूर है या नज़दीक है, फार एंड नियर। थॉट्स को इमेजिन किया करिए कि वो ट्रेवल कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स तक। ओके, रात को अपना मित्र बनाइए, ये सारी चीज़ें। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज, सीज मतलब होता है ख़त्म होना। दिन में हमें लगता है, दिन के दौरान इट डज सीम, ये लगता है, ये प्रतीत होता है दैट कि हमारी जो परेशानियाँ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वोंट सीज। बट एट नाइट, रात में क्या होता है, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस, दुनिया एकदम शांत पड़ जाती है। जो लगता है दिन में हमें कि हमारी ये सारी परेशानियाँ दिन की ख़त्म नहीं होंगी, रात तक वो सब एकदम पीस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये पोएम था। अब इस पोएम से देखो एक बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है कि जो करंट की हमारी परेशानी होती है, जो प्रेजेंट में कुछ अगर हमारे सामने परेशानी आ रही, उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर परेशानी के बाद कुछ अच्छा होता है। जैसे दिन की परेशानी से हमें घबराना नहीं चाहिए कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए रात आती है तो एकदम ठंडक लेके आती है और क्या होता है, एकदम पीस होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये पोएम से मतलब था। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, देखिए, डरा डरा सा बच्चा दिखाई दे रहा है ना, रस्किन बॉन्ड ने लिखा ये पोएम, ये बच्चा डरा डरा सा दिखाया गया। इसमें न्यू वर्ड्स हैं, इनका मतलब देख लेते हैं। अफ्रेड मतलब डरना, डार्क मतलब क्या होता है बेटा, अंधेरा, रेस्ट मतलब आराम करना, हार्श मतलब कठोर आप कह सकते हैं, फॉर एवर मतलब हमेशा, ट्रबल मतलब कठिनाई, और सीज का मतलब ख़त्म होना एक तरीके से। ठीक है, पोएम समझ में आ गई बात। अब फटाफट ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में, तो पोएम इज़ इट अबाउट व्हाट, द फियर ऑफ डार्कनेस एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट। बस अंधेरे के बारे में है, एंड डर अंधेरे से क्या होता है और उससे कैसे बचा जाए। व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन ख़त्म होता तो क्या होता है, तो मून एंड स्टार्स साइंस चमकते हैं, मून्स और स्टार्स साइंस, ये पोएम से देख के भी आप लिख सकते हैं।
वॉट डज द अर्थ डू वेन द डे इज ओवर, अर्थ क्या करता है जब, द अर्थ रेस्ट, आराम करता वेन द डे इज ओवर. ओके, अब तीन क्वेश्चन मैंने करा दिया, बिल्कुल पोएम से ही आपको आंसर लिखना था. चौथा क्वेश्चन, वॉट डज द पोएट वॉन्ट अस टू डू एट नाइट, क्या चाहता है कि हम क्या करें. दो चीज़ें थी, देखो मैं बता भी दे रहा हूँ, एक तो रात को अपना, रात्रि को, नाइट को अपना मित्र बनाएं और अपने थॉट्स को ट्रेवल कराएं अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है ना, ये दो चीज़ें चाहता है, तो इसको आप लिख लेंगे. और फिर ये होमवर्क है भाई, तीन क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, चौथा होमवर्क है, लिखना सब आपको है, चौथा होमवर्क है. पाँचवा भी ट्रू फॉल्स करना है, ट्रू फॉल्स. जैसे पहला एग्जाम्पल, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, ये सही है क्या कि पोएट कहता है कि डरो जब अंधेरा हो, नहीं, तो ये फॉल्स है. ओके, द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, फॉल्स है कि ट्रू है ये आप बताएंगे. द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, ये भी आप बताएंगे फॉल्स है कि ट्रू है. तो मतलब आपके लिए होमवर्क क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो तीन ऊपर से हमने करा दिया, चौथा होमवर्क है, लिखना सब है लेकिन होमवर्क चौथा है. ए हमने बता दिया फॉल्स है, बी और सी आपके लिए होमवर्क है, बात समझ में आ गई. तो एक चौथा होमवर्क है इधर और बी और सी होमवर्क है, इसका ए और 1, 2, 3 हमने करा दिया. अब नेक्स्ट क्लास में वर्ड बिल्डिंग हम करेंगे, फिर इसको देखेंगे बेटा, ठीक है, आगे फटाफट इसको करते चलेंगे. अगर कोई डाउट होगा तो यू विल आस्क. चलिए, थैंक यू.